हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 18वें अध्याय पृथु महाराज मिल्क्स द अर्थ प्लैनेट से चर्चा आरंभ कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से महाराज पृथु भूमि देवी पर अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने कहा कि मैं आपको जान से मार डालूंगा क्योंकि आप यज्ञ भाग स्वीकार कर रहे हैं लेकिन उस यज्ञ भाग के अनुसार अपने जो कर्तव्य हैं उनका आप निर्वाहन नहीं कर रहे। तो भूमि देवी तुरंत ही शी टेक्स अ डिफेंसिव रोल। भूमि देवी दुहाई देती है, शरणागत हो जाती है पृथु महाराज की। और हमने देखा किस प्रकार से भूमि देवी भी बहुत टैक्टफुली वो शरण भी मांग रही है और पृथु महाराज से कह रही है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला पर आगे और भी देखेंगे हम भूमि देवी क्या कहती हैं आज के इस सत्र में, और आगे जाकर के हम देखेंगे कि पृथु महाराज ने किस प्रकार से भूमि देवी का दोहन किया। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुतापदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 1। मैत्रेय उवाच इत्थं पृथुमभीष्टोऽयं रुषा स्फुरत् प्रस्फुरिताधरं पुनराहावनिर्भीता संस्ताभ्यामात्मनमात्मना। द ग्रेट सेंट मैत्रेय कंटिन्यूड टू एड्रेस विदुरा। माई डियर विदुर, एट दैट टाइम आफ्टर द प्लैनेट अर्थ फिनिश्ड हर प्रेयर्स किंग पृथु वाज स्टिल नॉट पैसिफाइज्ड and his lips trembled in that anger. Although the planet Earth was frightened, she made up her mind and began to speak as follows in order to convince the king. तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हालांकि भूमि देवी ने इतने सारे तर्क दिए, पृथु महाराज की शरण ली, फिर भी पृथु महाराज आपका अभी तक उनका जो रोष है, उनका क्रोध जो है वो शांत नहीं हुआ था। तो अभी भी प्रस्फुरित अधरम, प्रस्फुरित प्रत्यक्ष रूप में स्फुरित मीन्स ट्रेम्बलिंग। पृथु महाराज के होंठ जो है कांप रहे थे। हम देखते हैं व्यक्ति जब बहुत ज्यादा गुस्से में होता है तो नेचुरली उसके होंठ कांपते हैं, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। ये फिजिकल साइंस है टू अंडरस्टैंड दैट समबडी इज एंग्री, कोई गुस्सा है। तो प्रस्फुरित अधरम, तो पुनर आहाव, फिर से याचना की भूमि देवी ने। कैसी थी वो? निर्भीत, इन फियर। अहनी ने फिर से भीत, डर करके याचना की। संस्ताभ्याम आत्मनम आत्मना, अपने मन को उसने अपने
बुद्धि से शांत किया और फिर से वो महाराज पृथु से कहने लगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन द मोस्ट क्रूशियल टाइम्स वी मस्ट एक्ट नॉट अकॉर्डिंग टू आवर माइंड बट अकॉर्डिंग टू आवर इंटेलिजेंस। भूमि देवी का भी मन बहुत घबराया हुआ है, कांप रहा है, लेकिन संस्थाभ्याम आत्मनम आत्मना, उसने अपने मन को अपने बुद्धि के द्वारा वशीभूत किया और वो कहने लगी। इसी प्रकार से हम देखते हैं वसुदेव जब देवकी के ऊपर कंस प्रहार करने वाले, उन्होंने अपना खड़ग उठा भी लिया, ही हैज रेज्ड हिज स्वॉर्ड हाई, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड एंड देवकी वॉज फिनिश्ड। सो संस्थाभ्याम आत्मनम आत्मना, शी वसुदेव ही रेग्युलेट्स हिमसेल्फ हिज माइंड अकॉर्डिंग टू हिज इंटेलिजेंस और वो कहने लगते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन। जब भी हम बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थिति से गुजर रहे हों, विचलित हों, अपने मन के कारण अपनी बुद्धि को खोना नहीं चाहिए। श्लोक क्रमांक 2, सन्नियच्छाभिभो मन्युम निबोध श्रावितम चमे सर्वतः सारमादत्ते यथा मधुकरो बुधः। ओ माय डियर लॉर्ड, सन्नियच्छ, कृपया अपने क्रोध को शांत करें। सन्नियच्छ मन्युम, सन्नियच्छ मन्युम, कृपया अपने क्रोध को शांत करें। निबोध श्रावितां च मे, जो मैं कह रही हूं उसे समझने का प्रयास करें। निबोध श्रविता श्रावितं च मे, श्रवतः सारम आदत्ते यथा। एक व्यक्ति जो बहुत बुद्धिमान है उसे कैसे रहना चाहिए? सारग्राही रहना चाहिए। अगर कोई अच्छी चीज कहीं से भी मिल रही है तो उसे तुरंत उठा लेना चाहिए। तो कृपया मैं जो बता रही हूं उसका सार आप समझने का प्रयास कीजिए। कृपया अपना गुस्सा शांत कीजिए। सो सेकेंड थिंग वी सी इज when one is actually angry, one will not be able to take good decisions. Two times are very bad to take decisions. One is when we are very happy, second is when we are very very unhappy. जब हम बहुत खुश हैं तो भी हम अपने नहीं रहते, जब हम बहुत दुखी हैं तब भी हम अपने नहीं रहते। इन दोनों ही परिस्थितियों में कोई बहुत ही अहम या महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने चाहिए। तो हम देखते हैं दशरथ महाराज ने पुत्र के राज्याभिषेक की खुशी में कैकेयी को वर दे दिया, आप जो चाहिए, उसके बाद में क्या हुआ? पछताना पड़ा। सो दैट इज वाई वी सी स्पिरिचुअलिस्ट is essentially a intelligent person. एक व्यक्ति जब तक अपनी बुद्धि से कार्य करना नहीं सीखता तब तक वो अध्यात्म में आगे बढ़ ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि अध्यात्म में भी हमें अपने मन, अपने अहंकार, अपने इंद्रियों को दमन करके रखना पड़ेगा। और जब तक मन इस पूरी श्रृंखला का स्वामी है, हम अपनी इंद्रियों को, अपने अहंकार को दमन करके नहीं रख पाएंगे। ये केवल बुद्धि से ही है, बुद्धि ही है जो हमें जो हम चाहते हैं उससे परावृत्त कर सकती है। हम जो चाहते हैं वो हमारा मन है, लेकिन आध्यात्मिक जगत कैसा है? भगवान कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन पहले कैसा लगता है? पहले विष के समान लगता है, लेकिन धीरे 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 वो अमृत हो जाता है। भौतिक जगत पहले अमृत के समान लगता है, लेकिन धीरे 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 वो विषपूर्ण हो जाता है। अब ये सारी चीजें हम केवल
बुद्धि से ही ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए भक्ति योग को बुद्धि योग करके भी संबोधित किया गया है भगवद गीता। और ये बुद्धि तभी कार्य करेगी जब क्रोध नहीं होगा। इसीलिए सन्नियच्छा अभिभो मन्युम, अपने हे राजा अपने क्रोध को सन्नियच्छ, प्लीज कंट्रोल। निबोध श्रविताम, जो मैं कहना चाहती हूं श्रवण कीजिए। हम देखते हैं कि पहले के समय में एक आश्रय लेने वाला व्यक्ति भी राजा से किस प्रकार से बात कर सकता था। शी इज एक्चुअली प्लीडिंग, इन अ प्लीडिंग वे शी इज गिविंग इंस्ट्रक्शन, कृपया जो मैं बोलती हूं वो सुनो। हालांकि ऐसे बोल रही हो हाथ जोड़ करके, लेकिन वो बेसिकली बोल रही है जो मैं बोल रही हूं वो सुनो। तो इट इज लाइक हम कैसे कहते हैं जो हम कहना चाहते हैं। किसी के ऊपर गुस्सा हो जाए हम, तू गधा है, ऐसे हम जोर से आंख बड़ी करके कहें उसे बुरा लगेगा। वहीं हम हंसते में कहते, अरे तू तो गधा है, तू उसे बुरा नहीं लगेगा, वो एक्सेप्ट भी कर लेगा, हाँ शायद मैं गधा हूं। लेकिन अगर हम आंख बड़ी करके करें और जोर से, तू गधा है जानता है, तो बोलेगा अच्छा मैं गधा हूं, अच्छा तो तू कौन है जो अब तक मेरे साथ है। सो व्हाट इज सेड एंड हाउ इट इज सेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि भूमि देवी कह रही है प्लीज हियर टू मी, इन दैट सेंस शी इज टेकिंग द रोल ऑफ अ सीनियर टू प्रदु महाराज। तो कहने का तात्पर्य है कि वैदिक जीवन में ऐसा भी था कि राजा को हर कोई अप्रोच करके अपने मन की बात सुना सकता था। सो इट वॉज नेवर दैट द किंग इज सो डिस्टेंट दैट ही इज जस्ट अनअप्रोचेबल, ऐसा नहीं है। श्लोक क्रमांक 3, अस्मिन् लोके अवाप अथवा अथवा मुष्मिन् मुनिभिस्तत्वद ऋषिभिः दृष्टायोगः प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये। तो भूमि देवी क्या कहती है, मैं जो कहना चाहती हूं ठीक से सुनो। तो क्या है वो कहना, अस्मिन् लोके इस जगत में, अथवा अमुस्मिन् उस लोक में, इस लोक में या उस लोक में, मुनि भी तत्वदर्शी भी दृष्टा योग प्रयुक्तश्च, जो साधुगण हो करके गए हैं उन्होंने जिस मार्ग का दिखलाया है, जो पथ हमें साधुओं ने बताया है उस पथ का अनुसरण करना चाहिए, चाहे यहां पर हो या वहां पर हो। दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च, इफ वी सिंपली फॉलो द पाथ गिवन बाय प्रेडिसेसर आचार्यास, इट इज योगा प्रयुक्ताश्च, इट इज द बेस्ट टू बी फॉलोड। पुंसाम श्रेयः प्रसिद्धये, ये निश्चित रूप से, इफ वी सिंपली फॉलो व्हाट एवर प्रेडिसेसर आचार्यास हैव डन, दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर अस टू डू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हमें अपने से कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर हम केवल अपने पूर्व आचार्यों द्वारा, पूर्व साधुओं द्वारा, भक्तों द्वारा दिए गए पाथ का अनुसरण करें तो सब श्रेय वहीं पर है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। अपने से हमें कुछ भी मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं है। आचार्यों ने हमें जो कुछ चाहिए सब दिया है। इफ वी सिंपली टेक इट एंड एज इट इज फॉलो। श्रील प्रभुपाद जी भी कहते थे दैट इफ एट ऑल आई हैव सम क्रेडिट टू व्हाट एवर हैज हैपेंड। हम देखते हैं कि 11 साल में 7000 शिष्य, 80 पुस्तकों का विमोचन, लेखन,
14 बार पूरे भूमि का परिभ्रमण एट द एज ऑफ 70, ये आसान बात नहीं है। जब प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर कुछ किया है मैंने, मोर देन 300 टेम्पल्स, मोर देन 40 फार्म कम्युनिटीज, ये प्रभुपाद जी ने दिया 10 वर्ष में जगत को। सो देर इज नो नीड टू डू एनीथिंग। प्रभुपाद जी कहते थे अगर इफ एट ऑल देर इज एनी थिंग टू माई क्रेडिट, इट इज जो मैं मेरे आचार्यों द्वारा मुझे दिया गया है, एज इट इज पोस्टल पियोन के रूप में मैंने वो आपको दिया है। वॉट एवर हैज बीन गिवन टू मी, आई हैव जस्ट हैंडेड इट ओवर विदाउट एनी ओमिशन, विदाउट एनी एडिशन। सिंपल। श्लोक क्रमांक 4। तानातिष्ठति यः सम्यक् उपायान् पूर्वदर्शितान् अवरः श्रद्धयोपीत उपेयान् विन्दतेञ्जसा। इसीलिए इससे पहले पूर्व आचार्यों ने जो भी मार्ग दिया है, तान आतिष्ठति, एक व्यक्ति उनका अनुसरण करता है, बुद्धिमान व्यक्ति केवल अनुसरण करता है। कैसे? सम्यक रूपेण, सम्यक उपायान, पूरी तरह से। इन फॉलोइंग प्रिंसिपल्स वन डज नॉट डू व्हाट आई लाइक आई विल फॉलो एंड व्हाट आई डोंट लाइक आई विल नॉट फॉलो, ऐसा नहीं है। भक्ति का जो मार्ग है उसमें हम, मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं स्वीकार करूंगा, मुझे जो अच्छा नहीं लगेगा उस चीज को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, ये नहीं हो सकता। तो सम्यक उपायान, जो भी हम उपाय करते हैं अपने जीवन में, जो भी मार्ग अपनाते हैं, वो सम्यक उपाय करना पड़ेगा। अवरह श्रद्धयः उपेयान विन्दते अंजसा। तो विन्दते अंजसा, इस जीवन में जो सम्यक रूप से अपने पूर्व आचार्यों या पूर्व साधुओं द्वारा दिए गए उपदेशों का, प्रयासों का, मार्ग का अनुकरण करता है, अनुसरण करता है, तो निश्चित रूप से विन्दते अंजसा, ही एंजॉयज वेरी इजिली, बहुत सिंपल रूप से वो एसेंस को प्राप्त कर लेता है। Somebody else has already done research. We need to only follow that. Yes. तो प्रभुपाद जी यहां कहते हैं महाजनो येन गतः सा पंथा। तो इस जीवन में ही नहीं, अगले जन्म में भी we are all always servants. जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा था, इस जीवन में और अस्मिन अमुस्मिन, उस जीवन में भी, even in back to Godhead, even in Golok Vrindavan, we are a follower of somebody. Yes, this is a very important concept to understand. We are always servants. Jivere swarup hoye Krishna nitya das. Ye dasatva ka tagline hamare saath hamesha hai aur bana rahega. Wo hamari adhyatmik purvasthiti hai. क्योंकि हमारे अंदर भोग की इच्छा थी इसीलिए हम यहां पर आए हैं, वरना हमें यहां पे कोई कार नहीं है, कार्य नहीं है। तो इसीलिए पूर्वदर्शितान उपायान सम्यक रूपेण, पूर्व आचार्यों ने जो उपाय दिए हैं उसे पूरी रूप से, संपूर्ण रूप से अपनाइए। श्लोक क्रमांक 5। ताननादृत यो विद्वान अनर्थानारभते स्वयं तस्य व्यभिचरन्त्यार्थो आरब्धाश्च पुनः पुनः। तान अनादृत्य, पूर्व आचार्यों द्वारा दिए गए निष्कर्षों को अनादृत्य, नेग्लेक्टिंग, उनकी भर्त्सना करके, उनको कंसिडरेशन न दे करके, यो अविद्वान अनर्थान आरभते, वो अविद्वान व्यक्ति है,
और अनर्थ अर्थान आरभते, अगर कोई अच्छी चीजें भी करता है तस्य व्यभिचर व्यभिचरन्ते, वो कैसा है, व्यभिचारी है, जैसे एक स्त्री अपने पति को छोड़कर के किसी और के पास जा रही है, वैसे ही एक व्यक्ति जो पूर्व आचार्यों और वेदों को छोड़ करके अपने जीवन में जैसे चाहिए वैसे जी रहा है वो व्यभिचारी व्यक्ति है। तस्य व्यभिचारंती आरब्धाश्च पुनः पुनः, वो कितनी भी बार अपने जीवन में कोई प्रयास कर ले बट ही इज नॉट फॉलोइंग हिज पूर्व आचार्य, उसके सारे कर्म विफल होने वाले हैं। यस, सो हम देखते हैं भागवतम हमें बताता है सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि किस प्रकार से भौतिक जगत में हर कोई व्यक्ति पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा से, इंद्रिय भोग मनोभोग की इच्छा से पुनः पुनः चर्वित चर्वराणाना, फिर से उसी इंद्रिय भोग मनोभोग को वो खा रहा है खा रहा है खा रहा है खा रहा है खा रहा है, लेकिन उसमें आनंद नहीं है, आनंद नहीं है, फिर भी उसे चबा रहे। सो प्रभुपाद जी कहते हैं इट इज लाइक अ च्युइंगम, च्युइंगम में 2 मिनट का टेस्ट है उसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में पूर्वाचार्यों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे तो उस पालन से सम्यक रूपेण अर्थ, हमारे जीवन का सही अर्थ निकलता है। एंड इफ वन डज नॉट फॉलो देन व्हाटएवर ही डज विल बी अ फेलियर अगेन एंड अगेन, उसका कोई अंत ही नहीं है। श्लोक क्रमांक 6, पुराण सृष्टा ही औषधयो ब्रह्मणा च या विशाम्पते भुञ्ज्यमाना मया दृष्टा असद्भिर अधरव्रतैहि। तो अब तक भूमि देवी ने क्या कहा कि अगर आपको कोई चीज करनी है तो पूर्व आचार्यों द्वारा जो किया गया है फॉलो दैट मेथड, जस्ट सिंपली फॉलो दैट मेथड। अगर आप मुझे अक्यूज कर रहे हो कि मैंने यज्ञ भाग लिया है और यज्ञ भाग के अनुसार आई हैव नॉट गिवन यू प्रोड्यूस, तो भूमि देवी क्या कहती हैं, पुरा सृष्टा ही औषधयो ब्रह्मणा च ब्रह्मणा या, बहुत पहले ब्रह्मणा ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टा ही औषधयो, उनके द्वारा बनाए गए जो भी धान्य औषधियां वगैरह थी, भुंज्यमाना मैंने उसे अपने अंदर जकड़ करके रखा है, भुंज्यमाना वो मैं देख रही हूं कि वो किसके द्वारा अभी भोग किए जा रहे हैं, असद भीर अधरव्रतई ही, असद भी जो साधु नहीं है, जो भगवान के भक्त नहीं है, जिनका जीवन में उद्देश्य केवल मैं और मेरा है। सी साधुत्व कैन बी डिफाइंड आल्सो एट मेनी स्टेजेस ऑन मेनी प्लेटफॉर्म्स। सिंपल मीनिंग ऑफ साधु इज वन हु इज अ डिवोटी, दैट इज लाइक स्पिरिचुअल। ऑन अ लेसर डिग्री अ साधु इज समवन हु इज सेल्फलेस, जो केवल अपने लिए नहीं जीता वो भी साधु है। तो अरे आप अगर भगवान के भक्त नहीं है तो भी कम से कम दूसरों के लिए तो जीना चाहिए। भूमि देवी कहती है मैंने जब देखा कि पहले से जो ब्रह्मा जी द्वारा औषधि इत्यादि दिए थे वो किसके द्वारा भोग किए जा रहे हैं, असाधु भी एंड अधर व्रत, जिन्होंने अपने जीवन में कोई व्रत ही धारण नहीं किया, विदाउट तपस्या विदाउट व्रत देर इज नो सिग्निफिकेंस टू लाइफ। जीवन में सब कुछ एक व्रत है कि नहीं, उपनयन एक व्रत है, विवाह एक व्रत है, सारी चीजें व्रतपूर्ण है। आप जब IAS या IPS ज्वाइन करते हैं तो आपको ओथ दिया जाता है, जब आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं
चीफ जस्टिस बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, आपको ओथ दिया जाता है, व्रत दिया जाता है, योर अलीजेंस यू आर टेकिंग, ईश्वर की शपथ मान करके मैं ये प्रण लेता हूं। सो सिंपल, ईश्वर को शपथ मान करके प्रण ले रहे हैं। सो एवरीवन इज एक्नॉलेजिंग कि ईश्वर है, एंड एवरीवन इज एक्नॉलेजिंग कि मैं ये प्रण लेता हूं। तो बिना व्रत के जीवन सफल नहीं हो सकता। बिना व्रत का जीवन पाशविक जीवन है। पशु जीवन में कोई व्रत नहीं रख सकता, रखते भी नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति जीवन में व्रत नहीं रखता तो वो पाशविक जीवन जी रहा है, और पाशविक जीवन में क्या होने वाला है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर् नराणाम। सो इसीलिए हम देखते हैं कि जीवन में मर्यादाएं, मनुष्य जीवन में मर्यादाएं अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य जीवन में व्रत अत्यंत आवश्यक है। इससे ही, इस तपस्या से ही जीवन की शुद्धि होगी, वरना नहीं होगी। श्लोक क्रमांक 7। अपालिता अनादृता च भवद्भिर्लोकपालकैः चोरी भूते थ लोकोयम् यज्ञार्थे ग्रसमौषधि। केवल इतना ही नहीं कि those who are not supposed to be, असाधु भी और अधर्मव्रतई मेरे चीजों का भोग कर रहे हैं, अपालिता अनादृता, वो मेरी चीजों से का भोग तो ले रहे हैं लेकिन वो मेरा केयर भी नहीं, दे आर नॉट केयरिंग फॉर मी, दे आर ओनली एक्सप्लॉइटिंग मी। अपालिता अनादृता, बीइंग नेग्लेक्टेड, वो जितना हम जिसे कहते हैं कामापुरता मामा, कि अरे वो भूमि देवी को केवल क्या करते हैं, जितना चाहिए तब तक, वरना छोड़ दो, कौन किसका है। सो अपालिता अनादृता, वो मेरा ख्याल भी नहीं रखते और वो मेरा पूरी तरह से क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं मुझे। सो जीवन कभी भी केवल भोग के सिद्धांतों पर नहीं चल सकता। अगर हम मेहनत करेंगे तभी तो धान आएगा। अगर हम मुर्गी को बीज खिलाएंगे तभी तो वो अंडा देगी। अगर there just isn't fair to say that in my life I will only milk my cow, I will not feed her. If somebody is only milking the cow in this life and not feeding, then it is definitely to be understood that the feeding has happened in previous lives. और उसका उपभोग वो आज ले रहा है। सिंपल है। जिस प्रकार से आज अगर एक व्यक्ति इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट लेता है तो उसने 4 साल मेहनत की है, इसीलिए वो ये कर रहा है, सर्टिफिकेट ले रहा है। आज अगर किसी को पीएचडी का सर्टिफिकेट मिल रहा है तो 5 साल तक उसने अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के सामने जूते घिसे हैं, तभी उसको सर्टिफिकेट मिल रहा है। इट इज वेरी नेचुरल। तो बिना इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स नहीं मिलते। तो जब जीवन में लोग ऐसे हो जाते हैं कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट्स, दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन रिटर्न्स, फिर भूमि देवी क्या करती हैं? अरे ये तो गलत बात है। तो भूमि देवी उन रिटर्न्स को भी अपने अंदर क्या कर लेती है, वो अपने अंदर कन्फाइन कर लेती है। तो इसीलिए आप जैसे राजा क्या कर रहे हैं, मेरा पूरी तरह से मुझे निग्लेक्ट कर रहे हैं और मेरा ख्याल भी नहीं रख रहे। अपालिता अनादृताच भवद्भिर् लोकपालक, आपके जैसे लोग जो मेरा ख्याल नहीं रख रहे और मुझे पूरी तरह से उन्होंने निग्लेक्ट किया है।
चोरी भूते थ लोको हम यज्ञार्थे ग्रसम औषधि अग्रसम औषधि। तो क्योंकि आप जैसे लोग मेरा ख्याल नहीं रख रहे तो इसीलिए जो अधरव्रतई जिन्होंने राजा के रूप में आज सिंहासन लिए हुए हैं उनका अन्न मैंने चोरी कर लिया है। क्योंकि वो यज्ञार्थे वो यज्ञ के लिए है। सो भूमि देवी अगर कुछ भी देती है, कोई भी देवता कुछ भी देते हैं तो वो एक्चुअली यज्ञ के लिए है, उसे हमें अपने लिए नहीं समझना चाहिए। वॉट एवर वी टेक वॉट एवर वी गेट इट इज लाइक ओ द गवर्नमेंट गिव्स मी 100 rupees बट एट द हाइएस्ट टैक्स ब्रैकेट इट टेक्स अवे 30 rupees एज सून एज 100 rupees आर डिपॉजिटेड, है कि नहीं? जैसे ही 1000 rupees आए 100 rupees आएंगे उसमें से 30 rupees गवर्नमेंट निकाल लेगी। तो मैं अगर बोलूंगा कि मैं अपने अकाउंट में डिपॉजिट करूंगा लेकिन मैं गवर्नमेंट को कुछ नहीं दूंगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ब्लैक मनी। यस वही तो ब्लैक मनी है। तो आप तो सरकार का क्या कर्तव्य है ऐसे ब्लैक मनी होल्डर्स को, उसने दंड देना चाहिए। सो भूमि देवी कह रही है ऐसे ब्लैक मनी होल्डर्स हैं और आप जैसे राजा ऐसे ब्लैक मनी होल्डर्स को क्या नहीं कर रहे, यू आर नॉट पनिशिंग देम। इसलिए अब मैंने क्या कर लिया है, सारे यज्ञ भाग को मैंने, तो आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो मैंने अपनी तरफ से कुछ कर लिया है। श्लोक क्रमांक 8। नूनम ता विरुद्ध क्षीणा मई कालेन भूयसा तत्र योगेन दृष्टेन भवानादातुमर्हसी। यस, क्योंकि किसी ने मेरा ख्याल नहीं किया तो इसीलिए मेरे अंदर जो ये हो, मेरे अंदर जो धान्य है वो क्या हो गया है, क्षीण, वो खराब हो गया, सड़ गया है। हमने देखा आप एक बंद जगह पर बहुत समय तक कोई भी चीज रख दीजिए वो सड़ जाएगी, लेकिन वो अच्छी नहीं रहेगी। तो भूमि देवी कहती हैं कि निश्चित रूप से क्योंकि असाधु भी और अधरव्रतई राजाओं का बोलबाला हो गया था तो इसीलिए यज्ञ सामग्री को वो यज्ञ में उपयोग नहीं कर रहे थे और आप जैसे राजा उनको कोई शासन भी नहीं कर रहे थे, इसीलिए मैंने सारी चीजों को अपने अंदर समेट लिया, अब वो सड़ भी गई है। तो कृपया जल्दी जल्दी मेरे पेट के अंदर से मेरे अंदर से वो सारी चीजें निकाल लीजिए। हम अगर केवल यहां से डालेंगे और पीछे से नहीं निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कब्ज हो जाएगा कि नहीं? वैसे ही भूमि देवी कहती है मैं क्या करूं, अब मुझे कब्ज हो गया है, अंदर रह रहे के सब सड़ गया है। श्लोक क्रमांक 9 और 10। तो इसलिए क्या कीजिए, अगर आपको, अब मैं गाय के रूप में हूं तो गाय का जो एसेंस है वो दूध है। सो दूध अगर चाहिए तो क्या चाहिए, गाय दूध कब देगी, जब उसका बछड़ा हो, दूसरा दुग्धा हो, और तीसरा वो दूध लेने के लिए कटोरा या बाल्टी कुछ भी पात्र, ये तीन चीजें चाहिए। अगर दूध चाहिए तो वत्स चाहिए, दुग्धा चाहिए और पात्र चाहिए। तो यही तीन चीजों के ऊपर इंगित करके भूमि देवी कहती हैं श्लोक क्रमांक 9 और 10 में, वत्सम कल्पय मे वीर येनाहं वत्सला तव धोक्ष्ये क्षीरमयान कामान अनुरूपं च दोहनं दुग्धारं च महाबाहो भूतानां भूतभावन अन्नम ईप्सितमूर्जस्व भगवान वांछिते यदि। तो वत्सम कल्पय, कृपया एक वत्स
को अरेंज कीजिए वत्स, क्योंकि जब तक बछड़ा अपना मुंह थन को नहीं लगाएगा कोई गाय दूध नहीं छोड़ेगी। तो पहले आपको एक वत्स चाहिए। वत्स भी कैसा होना चाहिए? येन अहम वत्सला, जिसके प्रति मेरा विशेष वात्सल्य हो, जो मेरे मुझे बहुत प्रिय हो। तव धोक्षसे क्षीर कामान, तो आपकी दूध की इच्छा की मैं निश्चित रूप से इच्छा पूरी करूंगी। काम अनुरूपम च दोहनम, और इस दोहन के लिए आपको दोहनम, दोहनम अर्थात पात्र चाहिए। तो कृपया वत्स चाहिए, उसका अरेंजमेंट कीजिए। दोहनम चाहिए, पात्र चाहिए, उसका अरेंजमेंट कीजिए। दोग्धारम च महाभाहो, एक दोग्धा भी चाहिए, एक दूध निकालने वाला ग्वाला भी चाहिए। इन तीनों का अरेंजमेंट कीजिए। तव धोक्ष्य, तब आपकी इच्छा की मैं पूर्ति करूंगी। अन्नम ईप्सितम ऊर्जस्वान, तो आपको ऊर्जस्वात अन्न, एनर्जी देने वाला अन्न, ऊर्जा अर्थात एनर्जी, तो ऊर्जा देने वाला अगर अन्न आपको चाहिए, वांछते यदि, तो वत्स, दोहनम और दोग्धारम, इन तीनों को अरेंज कीजिए। और क्या कीजिए? श्लोक क्रमांक 11, समाम च कुरु माम राजन देववृष्टम यथापयः, अपरताव विभद्रम ते उपावर्ते तमे विभो। माय डियर किंग, मे आई इन्फॉर्म यू दैट यू हैव टू मेक द एंटायर सरफेस ऑफ द ग्लोब लेवल। दिस विल हेल्प मी इवन व्हेन द रेनी सीजन हैज सीज्ड। Rainfall comes by the mercy of King Indra. Rainfall will remain on the surface of the globe, always keeping the earth moistened, and thus it will be auspicious for all kinds of production. तो अभी क्योंकि बहुत समय से कोई यज्ञ नहीं हुए, तो इसीलिए धान्य नहीं है और लोग खेती नहीं कर रहे। तो अगर आपको खेती करनी है, ऊर्जत्वाद अन्न, ऊर्जा देने वाला अन्न निकालना है, तो कृपया मेरे भूभाग को समतल कर दीजिए। अगर आप मेरे भूभाग को समतल करेंगे तो इस पर हमेशा पानी बना रहेगा, है कि नहीं? अगर पहाड़ होंगे तो पहाड़ पर से तो पानी नीचे गिर जाता है, तो फिर वहां पे कोई रहता नहीं है। तो इसीलिए अगर बारिश नहीं भी होगी, भूमि समतल होगी, तो उसमें मैं पानी रोक करके रख पाऊंगी जहां पर आप खेती कर सकते हैं और ऊर्जत्वात अन्न प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से भूमि देवी ने कहा। तो हम देखते हैं भूमि देवी ने क्या कहा। ओ हे राजा, कृपया अपने क्रोध को शांत करो, इतना क्रोध अच्छा नहीं है। शिवरी जेंटली सेड कि क्रोध में किए गए कार्य अच्छे नहीं होते। उन्होंने कहा कि पहले जिस प्रकार साधुओं ने कार्य किए हैं, केवल उनका अनुसरण करना चाहिए। अगर उनका अनुसरण करेंगे तो सारे अभिप्सित वर पूरे होंगे, अगर उनका अनुसरण नहीं करेंगे तो जो भी इच्छाएं हैं, अगेन एंड अगेन दे विल मीट ओनली डिस्ट्रक्शन। इसीलिए आप अगर सोचते हैं कि मैंने इस धरा पर सारी चीजों को अपने अंदर समेट करके रखा है, तो हाँ, क्योंकि जो लोग थे वो यज्ञ के लिए उपयुक्त सामग्री का उपयोग भोग के लिए कर रहे थे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत्। और आप जैसे राजा ऐसे आतताइयों को पनिश भी नहीं कर रहे थे। तो व्हेन यू कुडंट डू एनीथिंग देन आई टुक थिंग्स इन माय हैंड, मैंने चीजें देना ही बंद कर दिया। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो निश्चित रूप से एक दोग्धा, एक वत्स और एक पात्र, इन तीनों का आयोजन कीजिए और भूमि को समतल बना दीजिए, आपकी इच्छाएं निश्चित पूरी होंगी। तब पृथु महाराज ने क्या किया, दोहन कैसे हुआ, ये हम देखेंगे
कल के अध्याय से, कल के श्लोकों से हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रथम महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।